तो दोस्तों अजय देवगन और अक्षय कुमार कितने अच्छे एक दूसरे के दोस्त हैं ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप तो 90s के जमाने से ही जानते होंगे। इन दोनों की दोस्ती बॉलीवुड की एक अच्छी दोस्ती में से मानी जाती है और हमेशा ये दोनों एक्टर एक दूसरे की फिल्म को सपोर्ट करते आए हैं हमेशा से। इसी बीच 7 सितंबर यानी कि अक्षय कुमार के बर्थडे के दिन मतलब कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका एक टीजर आया है मिशन रानीगंज का, जो कि लोगों को खूब पसंद आया है क्योंकि ये एक ओरिजिनल कंटेंट है। इसके अलावा ये एक रियल स्टोरी पे भी बेस्ड है जो कि दिल दहला देगी सब की। टीजर देखने के बाद अजय देवगन ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने सबसे पहले अक्षय कुमार को बर्थडे विश किया और रिएक्शन के तौर पे इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कभी हेलीकॉप्टर से आता है तो कभी कोल माइन में घुस के आता है, मतलब तू चाहता क्या है यार। जी दोस्तों इतना ही वर्ड बस लिखा है लेकिन बहुत ही बड़ा बात लिखा है और आप नहीं जानते एक साथ 2 फिल्म का इन्होंने प्रमोशन कर दिया है। एक तो ये जो कि अक्षय कुमार की आ रही है 6 अक्टूबर 2023 को मिशन रानीगंज और दूसरा आने वाले अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्म सिंघम 3 की, क्योंकि सिंघम फ्रेंचाइजी में ही अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से आते हैं ये तो आपको भी पता है ही। वेल आई होप आप भी सिंघम 3 का वेट कर ही रहे होंगे जो कि 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है। बाकी मिशन रानीगंज का टीजर आपने अभी तक देखा या नहीं कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी अगर देख लिया हो तो, और कौन कौन वेट कर रहा है इस फिल्म को। ये फिल्म बहुत ही जल्द आ रही है बॉक्स ऑफिस पर 6 अक्टूबर 2023 को। कमेंट योर ओपिनियन। इसी के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।